नगर परिषद सुजानपुर ने वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट घोषित कर दिया है। करीब 5.25 करोड़ रुपए का अनुमानित वार्षिक बजट घोषित किया गया है, जिसमें विकास कार्यों, कर्मचारियों के मासिक वेतन के साथ साथ सफाई व्यवस्था, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पथ प्रकाश इत्यादि कार्य पर ये राशि खर्च की जाएगी। इसके साथ साथ नगर परिषद एक गाड़ी भी खरीदेगी। अन्य निर्माण कार्यों पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर परिषद अधिकारी संजय कुमार ने ये जानकारी दी। इससे पहले नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्ष अशोक मेहरा, उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी की अगुवाई में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी वार्डों के पार्षदों के साथ साथ मनोनीत पार्षद मौजूद रहे। बैठक में विकास कार्य को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद सर्वसम्मति पर शहर के सभी वार्डो में आने वाले दिनों में करीब 80 लाख रुपए के विकास कार्य लाए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि विकास कार्य पर 80 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना पर 50 लाख, स्वच्छ भारत मिशन पर 20 लाख, सफाई व्यवस्था पर करीब 52 लाख, पथ प्रकाश पर करीब 20 लाख और नई गाड़ी के लिए 12 लाख का प्रावधान रखा गया है। कर्मचारी के वेतन भत्तों पर करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नगर परिषद को इनकम के रूप में ग्रीकर शॉप रेंट के विशेष साधन है। इसके साथ ही बैठक में प्रस्ताव डाला गया कि दुकानदार जो दुकान खोल रहे हैं, उसकी समय सारणी बहुत ज्यादा है, उसे कम किया जाए। इसको लेकर एक पत्र प्रदेश मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। इसके साथ ही ये भी प्रस्ताव डाला गया कि घर के अंदर, गली मोहल्लों, व्यापारिक प्रतिष्ठान के भीतर अपने निजी गाड़ी में लोग मास्क नहीं पहनेंगे, संबंधित निर्देश दिए जाएं। इस दौरान मनोज ठाकुर ने कहा कि प्रधान अशोक मेहरा शाम के समय 6 और 7 बजे बैठकें करते हैं। उन्होंने कहा कि अशोक मेहरा द्वारा विभिन्न टेंडर लगाए गए थे, परंतु धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधान द्वारा टेंडर पास करवा लिए जाते हैं, परंतु वे काम पूरा नहीं होता है और अखबार की सुर्खियों में आता है कि टेंडर किसी कारणवश फेल हो गया। उन्होंने कहा कि अशोक मेहरा को मात्र सुर्खियों में आना पसंद है और अगर सुजानपुर में विकास की ओर देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई भी विकास अशोक मेहरा ने नहीं करवाया है। ऐसा है ना, ये जो हमारे अशोक मेहरा जी प्रधान है ना, ये रात को कमेटी के दफ्तर में मीटिंग करते हैं, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, और लोगों को हवा में कर देते हैं कि 80 लाख के टेंडर लगे हैं। शहर चकाचौंध हो जाता है जब टेंडरों की बारी आती है, तो तीसरे दिन जो है वो पेपर में पढ़ा जाता है कि टेंडर किसी कारणवश फेल कर दिए गए। जब से प्रधान बना है, जब से इसने कुर्सी सामी है, तब से देखा जाए कि शहर का कितना विकास हुआ है। नालियां, तालाब, तलातल भरी हुई हैं, बस पेपरों में, सुर्खियों में रहने की आदत पड़ी है, काम जमीनी हकीकत में जीरो है। मनोज ठाकुर ने आने वाले पंचायत के चुनावों के विषय पर कहा कि वे सुजानपुर के किसी भी वार्ड से कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सुजानपुर के 9 वार्डों से अलग अलग कांग्रेस के प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे और कोशिश रहेगी कि 9 की 9 सीटें जीतकर कांग्रेस की झोली में डाली जाएं, ताकि जो विकास खात सुजानपुर की जनता के साथ पिछले 5 सालों से हो रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाए और रुके हुए विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। बात तो मनोज ठाकुर जो है सुजानपुर 9 वार्डों से किसी भी एक वार्ड से इलेक्शन नहीं लड़ेगा, लेकिन हमारे 9 के 9 कैंडिडेट आएंगे कांग्रेस समर्थित, और हमारी 99% कोशिश होगी कि 9 की 9 सीटें जीत के कांग्रेस की झोली में डाली जाएंगी, ताकि शहर की जनता के साथ जो 5 सालों में विश्वासघात हुआ है, उसके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा और शहर की जनता के जो कार्य रुके हैं पिछले 5 सालों से, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे पूरा किया जाएगा। सर, मनोज ठाकुर ने कहा कि जो 3 पार्षद उनकी झोली में आए थे, उन पार्षदों की आपसी खींचतानी में शहर के विकास कार्य नहीं हो पाए हैं और अभी तक अधर में लटके पड़े हैं। इनकी अपनी कुर्सी की लड़ाई है, कभी बोलता है मैं 2.5 साल लड़े, कभी दूसरा बोलता है मैं 2.5 साल लड़ी। अपनी खींचतानी में इन्होंने शहर के विकास को रोका है और लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन भगवान तो क्या, शहर की जनता तो क्या, भगवान भी इनको पूरी उम्र के लिए माफ नहीं करेगा। 5 सालों में लोगों के साथ क्या मिसबिहेव किया।